हेलो गोरेगांव पुलिस स्टेशन। हाँ चल तावड़े को फोन दे। कौन बोलता है? अबे ठुल्ले तावड़े को फोन दे। साहब हेडक्वार्टर गए, मीटिंग है उधर। मीटिंग खलास, उसको बोल अगर वो अपने भाई को बचा सकता है तो बचा ले, सिर्फ आधा घंटा है उसके पास। ए रात की उतरी नहीं क्या तेरी? तू यमराज को मौत का खबर सुनाएगा? साला मुद्दे का पैंट में समझा क्या? अबे बोल मत सुन, आधा घंटा तमनिया बिल्डिंग। हेलो हेलो हेलो, हेलो साहब, बोल। भाई को मारने के वास्ते आपके नाम से फोन आया था। क्या विष्णु? विष्णु, विष्णु, विष्णु ये क्या हो गया मेरे भाई? विष्णु, विष्णु आंखें खोल, विष्णु मेरे भाई आंखें खोल। हाँ बोल, ये किसने किया, किसने किया? विष्णु मेरे भाई, ये किसने किया? स, 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 अरे कोई है? नहीं विष्णु, नहीं विष्णु, विष्णु, अरे विष्णु आंखें खोल रे, आंखें खोल विष्णु मेरे भाई। जब हम आज 3 साल बाद वापस अपने गांव में पहुंचनी
तो यहाँ बहुत कुछ बदलने के बाद भी हमें वह अपना बन रहे। एगो पान लगा दिया हो, आज चूना कम कत्था जादे कतरल सुपारी, अब मसाला में मीठा मजा के दुगो पुड़िया फाड़ दिया। अरे सत्येंद्र तू, अरे आराम से गर्दन टूट जाई हो। औते बड़ा का सतवजिया से। हाँ, और बताओ सब हाल समाचार? ठीक है बा भैया, जैसन छोड़ के गयल रहा वैसे ही है, और आ ही गयल है तो घरे चल के सब देख लिया। का होत बा? हाँ? का? महीना भर के तो पीस देलू, अब का साल भर के पिसबू? अरे इतने तो बाचल बा, दू चक्कर दू चक्कर में दे देख लू हाथू आपन। तो हर दू फेरा के चक्कर में अगर अस्पताल के एको फेरा लागल ना तो कितना महंगा पड़ी। जा जा क्यों सारा में बैठा, जब देखा तब कामे करेलू। उठा। बुझाते नहीं खे के घर में बेटी बिया के मास्टरनी, मास्टरनी के चिट्ठी अभी आई नहीं खे माई। ए बेटी। हाँ? एक लोटा पानी पिया। अरे इस सुखौता ना सुखल तो जियाने हो जाई। ला अब भाई ये कहानी हाना क्यों सारा में बैठा, अब गिर गई पानी। पानी गिरल हा, बुझाता केहू आवे वाला बा। ला, आ गई तो हर आवे वाला। ये गणेश जी गाँव के तो एकदम रूप रेखे बदल गए बा। हाँ और का, कटिया पे सुखौता सुखावे के बा, दहिये पे सुखा लो सुखौता। 30 बरस से तो छाती पे मूंग डरते बाड़ू। ठीक बा, अब जाई जाके भीतर सूत रही। अरे भाड़ में जाए सुखौता है, जेकरा से सूते में भी आफत होके, सुखा लो सुखौता अपन। ईका, अरे ए गुन, तनिका सना सता जरूरत रल होई तोहार। एगो बात ध्यान से सुना, हमार नौकरी लागे वाला बा, 2-4 दिन में चिट्ठियो आ जाई। नौकरी? जमुना सिंह जमींदार के बेटी नौकरी करी ना? ये घर में ऐसा ना होई। होई और ई है होई। 3 साल में घर द्वार कितना बदल गई। और एकरा लागी कई बोतल उठाना मिली डेली। छे बेटी के कमाई से पियब तो यह दिन आ गेल बा। बेटिया घर में कमाए वाली भी है तो केकर कमाई के पियब है? बेटा तो ससुर पता ना कहां मर उर जा गेल है। माई, ए माई, माई हमार बेटा आ गेल, हमार बेटा जियत रहा, बेटा जियत रहा, हमार बबुआ जीते जी मुआवत रहे, हमरा बेटा के ही निर्मोहिया। हम ये नुपा नहीं तहरा सामने, चुप हो जा माई, चुप हो जा। भैया। अरे हम आगे बनी माई, चुप हो जा तो हम लोग। कुल ये फर्जी है सब। ई मतारी बेटा के मिजाज तो केकर मिजाज के था हली हल जाता। अरे हमर मिजाज के तनी खराब हो गेल बा, यही से मुड़ी में मालिश करावा तनी तरी आराम मिल जाए। चल चल कस के करना। हाँ हाँ भले। कहा तनी कि हमरा के अभी खाना खिला देबू तो 2 घंटा आराम करे के मौका मिल जाए। थरिया कटोरा तो लागल बा, आवे दी गज्जू के, परोसे में कितना देरी लगी। अरे गज्जू के कोनो था नहीं खे, कितना देरी से फोन लगा लगा के थक गई। तुहार बेटा हाथ से भी हाथ हो रहा बा, हमार बात माना ओकरा पर अंकुश लगाबो अंकुश। क्या रे हमारा रास्ता रोके के तोर हिम्मत कैसे भइल? का नाम है तोर? नाम बतौले से तो पूरा परिचय होई ना, वैसे तू पूछत हुए तो बता देते हैं। हमार नाम है गजराज सिंह। अच्छा तू तो परिचय के बात कर देला, हम तो दोस्ती खातिर हाथ बढ़ोले रहनी। गजराज सिंह के यहाँ
धंधा में यारी दोस्ती के कौनो एंट्री नहीं के। तो ठेठ डायलॉग हम सुन लेनी का बुझले जब तो के जे करे के होई कर ले गाड़ी आगे ले चल। गाड़ी यहाँ से एक इंच आगे ना बढ़ी। गाड़ी के रास्ता में चे आई ओकर छाती पर चढ़ के गाड़ी पार हो जाई। तू अगर गजराज सिंह के टच भी कर दले ना तो तोर ऐसा कंडीशन बनाई कि जैसे एक्सीडेंट के बाद कौनो गाड़ी का होला। परिचय असली गजराज सिंह से। रे मुनिया भाग भाग चल निकल ना तो क्यों देख ली भाग नहीं। ओए देखो जा 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 गिर गई तू। काबल दीदिया काबल चाचा ढेर चोट लग गई का चोट ना चूना लग गई का हो आई चारे को मकई में तोरा चूना लगा तले देखे। ए मंगनिया ऐसे नलो बात करे के चाहिए चाचा हुवन। अब बतावा चाचा बतावा कितना पैसा भईले मकई गोड़ में घाव लग गेले से कुल मिला के 400 रुपया देख ले नी अंगूरी पकड़ा वाला के फल बुढ़वा बड़ खिलाड़ बा चार को मकई के 400 रुपया टिकट टप खिन के वो। अच्छा अच्छा मिल जाए रोवा के रोके पैसा मिल जाए बाकी रोवा के वो काम करे के पड़ी बोली। ए मंगनिया हाँ ट्रैक्टरवा के रोका तो जल्दी घरे जाके हम बताएं कि हमके चक्कर आ गई रहे असने ही काका बचेले हैं बुझले अब पकड़े ही मत। ठीक बा का भाईल का भाईल हमार बेटी के उमा बेटी। अरे लवे लवे उतरी दीदी का भाईल कैसन बाड़ू ये सब ये कहत रहन कि तू बेहोश हो गई रहलू का भेल रहे आ आवा चक्कर आ गई बैठा अचानक से। अरे चाचा उ तो सने ही कका रहलन कि दीदिया बच गईली ना तो आज कोनो गाड़ी के नीचे चलैती ले देके कहो बुझनी बोल लगतनी राउर बहुत एहसान बा हम रउवा खातिर का कर सकत बानी। अरे जे बोली उदियाई कहो जी कितना चाहिए तोरा के 1-2-500 हमार मुँह खुल गए तो सारा गुणा भाग विसर्जे वाले दे के। अरे 500 की का पूछे के बा तू हमार जान बचवल हा तू जवन मंगवा तवन मिल जाए काम आई। हाँ हाँ काहे ना सांझ के आई और 1,000 रुपया ले जाए रउवा। अरे सांझ के काहे अभी दे देना ना ना रख हे बुढ़ाव ये चीज जो 500 रुपया हमारा का दे दियो मैं तो मारा पंटा पीट के बुझलो चलो नी। अरे देखी का बम्बई जैसन शहर में जाके टिक गई बहुत ही बड़का बात बा। बाऊजी खाना काट के यही चले आवतानी खातो रही और बतियाओ तो रही। ना ना सुन माई के बुलाओ बुलाओ। ए माई आवतानी हम ही कहा तानी बेटा कि अपना रेहन रखल जमीन के अपना कमाई से छोड़ा ला हिमालय सिंह के खानदान के इज्जत जेकरा के लांग के उस ससुर के नाती प्रभुआ सरपंच बन के कुर्सी पे बैठल बा। अरे मन तो कर ला ना कि लात मार के ओकरा कुर्सी से उतार दी
कुछ होना तो कम से कम है ना बेटा, 5 बीघा छोड़ा दो। हम जरूर कोशिश करम, भगवान चाहिए तब कुल चीज ठीक हो जाए। एगो बात बतावा, ई मास्टरनी खातिर हमरे कोनो मास्टर खोजाई है कि ना? के खोजी? अब आ गइल बाड़ा तब भाई के जिम्मेदारी बुझ के तू ही ले आवा कोनो मास्टर। हाँ गुड़िया भैया। हमारा के नहीं लागत की आज आई यहाँ? आई भैया, अगर हमार जासूसी फेल हो गई तो बाल खिलवा दे ले देके तो देनी आई ता आई। अगर ना आई जान का करब का भैया? बेटा तोहके ना उठा के नहरिया में फेंक दे। तैयारी कर या खड़ा में जाए के। और देखी आ गई ले देके। अरे साला चढ़ल लब के बुखार बाटे मूड गरमाइल अची के में बाड़ू गोरी तू तधराइल। चढ़ल लब के बुखार बाटे मूड गरमाइल अची के में बाड़ू गोरी तू तधराइल। जने कहद तू ना खड़ा हजार ना तले जाइब हो, ना तले जाइब हो, ना तले जाइब उठाके देखते रह जाइ सकरू बदार। ले जाई उठा के देखते रह जाई सगनू बजार। मुकदमा दाखल ना कुछ डिगरी में, डिगरी में। अरे थाना पुलिस में मामला जाई चाहे कोर्ट कचहरी में, प्यार पे चली के तनु मुकदमा दाखल ना कुछ डिगरी में। अरे जेल भले जाई पर छोड़ब ना कलाई, लागल ई मैटर अखबार में जाई गोरी राख जवनिया समाज। ना तगिर जाई हो, ना तगिर जाई हो, ना तगिर जाई बिहाने ए तोहरे कारण की सरकार। ना तगिर जाई बिहाने तोहरे कारण की सरकार। साढ़ में घूरी कटनी हो, एहो आई बाटे सावन हमसे ना सहाई, कबले अपन जिया राके ऐसे कुहुकाई। अब ता करी ल एकरार ना तमर जाइब हो, ना तमर जाइब हो, ना तमर जाइब कुआरे जिंदगिया कई के नामे तोहार। ना तमर जाइब कुआरे जिंदगिया कई के नामे तोहार। बहुत मारा साहब, लेकिन मानता ही नहीं है, बहुत कड़क चमड़ी का है साला। क्या है बालू, किसी भी मुजरिम का सच इस लॉकअप के अंदर मेरी ऑर्डर को फॉलो करता है, चाहे वो सच जुबा पर हो या हलक के भीतर हो। 12 साल के इस पीरियड में आज तक ऐसा ही हुआ है और आज भी ऐसा ही होगा। आपने मुजरिम के सच की बात तो कह दी, लेकिन सच्चे मुजरिम की पहचान अभी तक नहीं की। नहीं तो आप मुझसे सत्या का नहीं सत्तार का पता पूछते। तेरे को मारने से अगर मुझे सत्या का एड्रेस मिलने वाला है तो वादा करता हूं कि मेरे रिवॉल्वर की गोली पर तेरा ही नाम लिखा रहेगा। छोड़ दे इसे। जी सर।
कौन गाँव? डुमरी। हाँ, डुमरी निवासी। देखा तोनी सबके बात हम समझ गई नी आ सुन ले ली। अब तोनी सबके अपन सफाई में कुछ कहे के बा? सफाई कोने बात कर? अरे के ना जाने लाई नंबर उनका लखर आदमी है। एकर कोड़ा में नौकरी लग गई तो गांव के बहन बेटी के छेड़ने का परमिशन ना कर पास। हो देखा देखा ओके गाय सन सीधी बिया और ओके साला फंसा के बिया कर। अरे हम तो कहब 3-4 साल खाते ने के जेल में डाला। ए सरपंच साहब, एक तो हम तो मर्जी से शादी कर ली, दूसर हम दोनों बालिग हैं, हे मामला में तो कानून भी हमने के कुछ ना कर सके। ए वकील साहब, अब वह जो गला रख के फेंक देब ना तो तुहार कानून कुछ ना कर पाई, बुझले कानून। अरे ये लड़की के का होई? अरे होई का होकर, अरे कोनो अच्छा खासा लड़का दे के ब्याह कर दो जाई। दूसर ब्याह करी से पहले खसिया ना खा ले। तो खा ले खसरी, आखा के मर जो। एक बात सुन, अरे तेरा नाम बोली ना तो हम तुके मुंह दे। रुक दे। बाह बाह बहादुर हकीम, बाह सब यही निपटा दे। हमने सब तो यहाँ पे मुरई उखाड़े बैठल बानी। काहे की गांव का इज्जत बात है? और एक बात सुन ला, जे फैसला सुनाई वो सरपंच, जे केहू को विरोध बा ऊपर हाथ उठा दे। उठा बात। का कहल चाहता र? माफ करम काका, बाकी चुनाइल बानी रहुआ और डिसीजन आवाता दूसरा के लगे से। ई मुंबईया का जानी गांव का मान मर्यादा। गजराज बाबू, ब्याह दुगो प्राणी के बीच होला, दुगो गांव चाहे दुगो समाज के बीच ब्याह ना होला। अरे जहां मन के मेल हो गई हुआ तो देवता से भी मान मिल जाता। फिर विरोध करे वाला तू के हुआ, हम के हई, अरे पंचायत का होला। ज्यादा लेक्चर मत मारा यहां। हां पूरा गांव जाना ला इस साला जबरदस्ती शादी के लिए। आ सच के शादी होत ना तो बारात लेके आवत। माने ब्याह के भोज भगल बा यही से खखवाइल बाड़ा। चुप साला। गांव के इज्जत के जो मान देला सा उ लखेड़ा है, ई बात के तो तू ढोल पीट देला। बाकी उहे इज्जत प्रतिष्ठा के पहाड़ा पड़त पड़त ई गांव के इज्जत पर तार चप्पल उछालल भी सब केहू देखलस। कैसन लागल ई पूछल जरूरी नहीं के, जे विरोध में होई हाथ उठा दी। गजराज बाबू, जे झुक गए लोकर का भरोसा? अब वो माथा होके आंख होके चाहे हाथ, ई होला पावर। चल मौनिया, चल यहां जी, चल। रउआ लोग के सामने पंचायत में खड़ा होके ढेर बात कही हो गई, सब बजाय बात खातिर माफी मांगता नहीं रउआ से। खुश रहे ना बेटा, फैसला तो तू सुना दे रहा, हमने तो सिर्फ दोहराए के बा। हे भोलेनाथ, हम रात से सुतल नहीं खी, हमरे सहेली के बचा ली। उमा, उमा, रेखा, कब है? उमा, उमा, अरे गज्जू बाबू के पूरा पंचायत में किरकिरी हो गई। अरे वो पंचायत मलतिया खातिर रहे ना कि गजुआ खातिर? ओहो, मलतिया के रहे, लेकिन गज्जू बाबू ब्याह के विरोध। एकर माने मलतिया के परिवार के पंचायत में कोनो सजा ना मिले ना? अरे 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 पागल, इतना निम्मन खबर नु भइल। अब हमके का मालूम कि तार भाई से डेर सहेलिये से अपना पाबा ना? जवन गलत बात है ओकरा खातिर तो उमा भोलेनाथ के भी साथ छोड़ दी। बाकी खेला पलटल कैसे? गुंजा के तो तू चिन्ह करेलू उनके भाई बाड़न सतेंद्र, जिनकर बात सुन के समूचा गांव राजी हो गई। आ कहलन हाथ उठावे के तो सब लोग खुश से हाथ ऊपर उठा देलस, आ तहर बाबूजी भी खूब खुश रहलन। बाकी ओ देखियो मैं कैसन रहलन, लंबा देही, बड़ बड़ आंख और खूब भारी बोली रहे। बुझ के नहीं भोलेनाथ, रोवे साक्षात रहनी। ठेकेदार जी, ए ठेकेदार जी, ईला यही जा सुतलवाड़ा। का भाई नाराज बाड़ा अपन गुंजा से? या फिर बालू के ठेका आज ठीका पर ना चढ़ल? हाँ बड़ा फिक्र बत होके बालू का ठेका कर। एको काम करा, सतेंद्र का वहाँ भेज दा। ओहो ता ई बात बा, आज तो हमार भैया के नाम के पूरे गांव में जय जयकार हो गई, बड़ा मजा आई। तोहार भाई रहना यही मारे आज जय जयकार भइल, आ नहीं तो हाय है बुझलू। तू ठंडात रहा ई बगीचा में, हम जाता नहीं। कहाँ है तू? हमार मन। हे रुकबू ना, अरे इतना गरीब मत दिखावा। हेलो ए भगवान,
वाह वाह गज्जू हमार बाबा ना ओकर भूख हड़ताल बात तो हमू पेट सुना ली। केहू के पेट ना सुनाई गजुआ के खिया देनी है। हमरा होते इ घर में केहू भूखले पेट सूत गए तो समझ लो चूल्हा चौका सब बंद बुझाइल ना। अब देखा हमरा के खाए दा सवेरे हमरा के गौसी जाए के बा। गौसी केकरा लागे? जमुना सिंह के यहाँ अपन बेटी उमा के ब्याह ठीक करे खातिर। भुला गए नी रउआ के सरपंच बने पर कितना? अजी एक साल हो गए बात के। लेकिन वो परिवार ना भुलाइल होई? ना भुलाइल होई है तब नुकसान उनकरे बा। बाकी लड़का बहुत सुंदर बहुत नेक बा। हम तो पंडितों को लेकर जाता नहीं पूरे तैयारी के साथ। हम तो कोशिश करब कि ब्याह के तारीख को पक्का कर दे। औलाद सुखी रहे ऐसे बेसी बाप मतारी के औरु का चाहिए। सागर कहता झुका कर मन में गहराई लाओ और पृथ्वी कहती ए, सब सामान उतार। प्रणाम। सुखी रह बेटी पहचान ले लो ना छुट्टी हो गई कि हम छुट्टी करा दे रही। नहीं भाग गई ना कुल। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। एगो बड़ा शुभ समाचार लेके आल बनी। आई ना आई दुआरा पे बैठी। ये ठीक बा। रख रख सब अपन बिटिया के रिश्ता लेके आल बनी राहुल बेटा सतेंद्र सिंह के साथ। बोला विदेशी जाइबा कि ना तनी बोला बोला विदेशी। वाह 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 का तानवा साक्षात भिखारी ठाकुर। भिखारी के? अरे ऊ भिखारी ना लोग गायक भिखारी ठाकुर जेकर रचना तू गाबत रहला। अच्छा मतलब रचे वाला भी भिखारी अगावे वाला भी भिखारी। कौन भिखारी? हम भिखारी चोर चुहार पियक्कर चंडाल यही सब नाम दे ले रहा ना हो पिछला चुनाव में तू। देखा हमारे से बहुत बड़ा भूल हो गए रहे तुम भूल जा बड़ा आदमी की ये पहचान बा। हम अपना बेटी के रिश्ता लेके आयल बानी तोहरी द्वारी पर स्वीकार कर। भीतरिये बुला नली यहाँ द्वारे पे। चुप रहा तू लगलू भचर भचर करे जा घरे। तो सरपंच साहेब हम बड़ा आदमी बनी या रहुआ बनी छोट तो हम माफ कर देनी है? तो वही एक छोट आदमी एक बड़ा आदमी के द्वारा पर अपना बेटी के रिश्ता लेके आई तो जमुना सिंह कहीं है नो बड़का वाला नो। ये पर तू विचार कर तुहारी नशा उतरी तब अपने आप सब ठीक हो जाए। नशा ना उतरी कोनो मुंडी पे चढ़ल जिन नहीं खे जमुना सिंह के छाती में लगल घाव बा। जमुना सिंह जमींदार के घाव इस सबसे ना भराई समझ ला। जमुना सिंह तू नशा में बारे तू का कहबे का सुनबे हम ही गलत समय पे आ गए निया। तू आदमी नहीं खे कुत्ता बारे कुत्ता और कुत्ता से बतियाए में कोनो फायदा नहीं खे जाता नहीं हम जा। और आज बात साबित हो गई कि समय के चक्का घूम के केकरो लगे आ सकेला आज तू हमरा लगे आ गई जमुना सिंह जमींदार। अरे सतेंद्र भाई अरे कहाँ रहला भाई अरे घरवा फोन छोड़ के आ गई लहा का। अरे तोहर दो तीन बार बम्बई से फोन आ गए भाई देखा केकर फोन केकर फोन है तू ही देख ला। अरे पानी ला यार। हेलो। हाँ हेलो हेलो सत्या। हाँ कुछ पता चला? नहीं यार सत्तार का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो टेंशन मत ले जैसे ही उसका पता चलता है सबसे पहले फोन तुझे ही करूंगा मैं। अच्छा ठीक है रखता हूँ चला घर जाके बा हम ज्यादा नहीं ना रहे धाम ना पिया। अरे कोनो परेशानी वाला खबर है का? ये तो परेशानी बाकी कोनो खबरें नहीं चला ठीक बा। ए, क्या हुआ सत्या का पता लगा? मैंने 10 आदमियों को उनके पीछे लगा दिया है ललन भाई लेकिन उन दोनों का कुछ पता नहीं। 10 नहीं 100 लगा 100 नहीं 1000 लगा 10000 लगा समझा? मुझे वो सारे कागजात चाहिए। ठीक है भाई। क्या तावड़ा साहब आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? अरे किसे ढूंढ रहे हैं?
लौंडों से बात नहीं करता मैं। अरे वाह, जवान हो गया तू, हाँ? लगता है वापस दिन आ गए तुम्हारे तबेले वाले। ये अरे तावड़े साहब, हाँ ये तावड़े साहब। क्यों नागेंद्र, टीवी पर चूहे बिल्ली का खेल देख रहे हो या मेरे साथ खेल रहे हो? पानी पिलाओ साहब को। लीजिए ना। अब ये भाई की चाकरी कब से शुरू कर दी? छोटा भाई है साहब, जो बोलेगा करना ही पड़ेगा। भाइयों का प्यार आपको तो अनुभव होगा ही। क्यों? एक और पते की बात, इंस्पेक्टर तावड़े को पानी पिलाना सबके बूते की बात नहीं। सत्य कहाँ है? किसी भी कीमत पर मुझे सत्य चाहिए। आप तो जानते ही हैं, राय का सराय है, बीसियों आदमी काम पे आता है, हम ठहरे अनपढ़ जाहिल, बस आंख में देख के ओके कर देते हैं। अगली बार जब मैं आऊंगा तो मुझे सत्य मिलना चाहिए, वरना पूरे खानदान को पुलिस स्टेशन में घुसेड़ दूंगा। भैया अभी क्या बोला? वाकई अमन तावड़े को पानी पिलाना तेरे बूते की भी बात नहीं है। भैया क्या करना है इसका? राय का राय यही है कि जब आवाज शोर बन जाए तो बंद कर दो। हो गई बेस्ती, केरला बनोली। अरे भगुआ कहाँ गया, बोलो कुछ। ढेर पहलवानी के जोर मत दिखावा। तू केकर फजीहत के ढोल पिटले वाले रे, वो नशेरी गजेरी के, अरे ओकर का हिम्मत जो प्रभुनाथ सिंह के सामने खड़ा हो सके। मटिया मेट में मिला दे बोखरा के, बुझले हम जने उठा के तोनी सबके सामने प्रण करा था नहीं कि जब तक अपना बेटी के डोली जमुनुमा के घरे ना उतारब, प्रभुनाथ सिंह एक कोक के जना ना कहाई, समझ ले। ठीक बा, जब बात मान सम्मान कह तो बिया हो जा हुई। और बिया के ब्रह्मा के बाप की कर्मा बिना रोक ला चाय पिया। माई रोप ले रानी ये पेड़ तार जन्मदिन रहे याद बा। चाय तो नहीं मन बा के बने लसा तू के माई? माई अब कहाँ कुछ बनावेली याद बाना, माई के हाथ के बनावल रोटी छोड़ के गईल रहला। ओ दिन के बाद से आज तक रसोई में माई गोड़ ना रखलस। गलती हमार रहे, हमरे सुधारे के पड़ी। के छाँव में बीतल बाटे लड़कियाँ, तोहरे अचरा के छाँव में बीतल बाटे लड़कियाँ, तोहर ने ही आबा अगम अपार, जैसे कि देवी मैया, जैसे कि देवी मैया, तोहर ने ही आबा अगम अपार, जैसे कि देवी मैया, जैसे कि देवी मैया।
माई माई सिखनी हम हूँ राम जी से पहले हमके देखबलू दुनिया बाद में वो आईले ओ माई माई सिखनी हम हूँ राम जी से पहले हमके देखबलू दुनिया बाद में वो आईले तोहरा चरण में बाटे माई तीरथ हजार तोहरा चरण में बाटे माई तीरथ हजार जैसे कि कौशल्या मैया जैसे कि कौशल्या मैया दुनिया में केहूँ हमर पूछु ना बिगाड़ी तोहरे आसिया हमरा रहे लाया गाड़ी ए माई दुनिया में केहू हमर पूछु ना बिगाड़ी तोहरे आसिया हमरा रहे लाया गाड़ी छलके जियरा से माई तोहर ममता के धार छलके जियरा से माई तोहर ममता के धार जैसे कि गंगा मैया जैसे कि गंगा मैया तोहरे अचिरा के छाँव में बीतल बाटे लड़कैया तोहरे अचिरा के छाँव में बीतल बाटे लड़कैया तोहर नहीं आबा अगम अपार जैसे कि देवी मैया जैसे कि देवी मैया तोहर नहीं आबा अगम अपार जैसे कि देवी मैया जैसे कि देवी गईल रहनी तोरे घरे पता चलल कि तू यहाँ काहे आजकल तोहरा लगन का हमरा घर के बड़ा फेरा लागत है मैटर का देखा मैटर तो बड़ा नीमन बा तोहार बियाह तक देले बानी उमा के साथ उमा के जानला ना हमार बड़की बहन बा हमार दीदिया लोग के का नाम बा कि पहलवान के बुद्धि यहाँ ना होला कहीं दूसरा जगहिया पे होला जानेला झूठ बात है सब कहे से कि पहलवान के तो बुद्धि ना होला ना तो इतना फजीहत के बाद भी चला मान ला कि हमार दिमाग क्लोज हो गई है और तोहार दिमाग बड़ा ओपन है तो हमारे सवाल के को जवाब दा हमार तोहार भिड़न जब भी भइल बा सरेंडर साला हम ही कैले बा अतो के पता है ना अगर ढंग से दूगो हाथ हमार तोहरे ऊपर पड़ जाए तब पूरा खेला खत्म हो और फिर का फिर दफा 302 के केस हुई फांसी दा फांसी देखा बहुत मजाक हो घरे जा वहां हमारे ग्रीटिंग कार्ड मिले ग्रीटिंग कार्ड माने वो तो हर बहन बता दी है गुंजा अरे जान से मार दे मगर अपन मुंह से गुंजा के नाम ले लेता इतना गर्मी करबा तो देखा पूरा केस उल्टा हो जाए दफा 302 का केस तोरे पर चली अतो के फांसी हो जाए आई कुल होखला के पहले तोहार बहन गुंजा फांसी लगा के मर जी हाँ का ही देखा पूरा क्रिज खराब का दला और हाँ एगो बिनती बतोहरा से घरे जाके ठंडा दिमाग से विचार करिया और विचार करिया तेगो भाई बन के ना एगो बेटा बन के भी करिया और काल 12 बजे तक मंदिर आ जाइया कहे से कि हमार बहन दुल्हन का जोड़ा पहन के तोहार इंतजार करी ना आईला ना तो एगो कफन का इंतजाम कर लिया अपने बहन गुंजा खातिर जात बानी
जजमान का कहता नहीं पंडित जी, मुहूर्त के समय तनिके बचल बा। अरे तो का भइल, मुहूर्त निकल जाए तो ब्याह ना होई का? ना ना ना, ब्याह तो होइबे करी। चुप रहा, अब इन मंत्र पढ़े के बा ना। हाँ हाँ। भैया जी का भइल रे? वो आ गइल बकरा। अरे महाराजा, आई आई, कब से इंतजार होत बा। आई आई आई। जीजर तो के हम 2 घंटा के बाद बोलब, अब बाकी मंगनी। हाँ भैया। इनकरा मां से दूल्हा निकाल के लेके आओ बेटा। हाँ, हाँ, जल्दी दूल्हा बना के लेके आओ। जो कहा पंडित, सुरू जा। हाँ। पवित्र पवित्र वासरवा। अरे मंगनिया, हाँ जल्दी लेके आओ ना। ले आई नी दूल्हा निकाल के, आप बैठी ले देखे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। प्रभुआ रब साला हराम खोर, अपना जात दिखा दिया ना रे। बेटा शांत। ए जमुना बाबू, हमरी सब भगवान के दरबार में बानी, आई भगवाने की ही मर्जी बा कि रउआ अपने बेटा के आशीर्वाद देवे चलैनी। अच्छा, तेही से हमरा बेटा के गर्दन पे बंदूक रख के मंत्र पढ़वावता हैं? आई मंत्र पढ़वावे से तोहरा बेटी सुहागिन हो जाएगी रे। बेमर्जी के बियाह बियाह नहीं होता, बेमर्जी के बियाह अकन पट्टी में सेनू। जाके चुप करावा ना तो हम जाए तो बहुत भारी पड़ जाए। रवा घरे जाए हम आवा नहीं। सतेंद्र, ये सब कुछ हो ना करी, और कुछ करी ना तो छाती मस्का के रख दे हम। हम बाबू जी, हम कहनी ना रवा घरे जाए, बियाह हो गई हमार। हाँ हो गई सरपंच जी की बेटी से, और अपना मर्जी से कहीं नहीं। अच्छा, हमारा मर्जी रे। रवे ना कहनी है कि दूसरा के मर्जी से ब्याह ना होके चाहिए। हाँ ना। अच्छा, अंडवा सिखाए बचवा के कि चोंच चोंच बोल, बाप के दोसर बना देले बेटा। वाह 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 वाह, देखो लो। तू पहले शांत हो जा। ये मुंबईया बाबू अपन बाप के पगड़ी उछाले वाला है। बाबू साहेब तो हमरो बात सुन लो, यहाँ से सीधे बम्बई जाइयो, करे आवे के कौनो जरूरत नहीं है। ले दर्शकिया, आई जौना ससुर पंडित से मंत्र पढ़वाले है ना, ले हमरा शराब के भी मंत्र पढ़वा दिए। आज गंगा जी में डुबकी लगा ले हम, गद्दार कहीं के मरा साले, ससुर इनके घर हर जोता तू। सत्तार का पता चल गया है का? हाँ। तू जल्दी गांव से फटाफट निकल। हाँ ठीक है, तुम एक काम करो। हाँ। उस पर नजर रखो। ठीक है, हम कल सुबह का पाला गाड़ी पकड़कर मुंबई आ रहे हैं। देर मत करना। हाँ अरे हम बोले ना मुंबई आ रहे हैं। दीदी हाँ बोल दे दिया।
बोला भाई तनियारा भोजपुर दिनारा वाला लोग इन पैसा निकाल लिया था। आओ चल एगो बक्सर के टिकट दे दो। बक्सर के टिकट तो वहाँ नीचे कटा था भाई साहब, एगो बक्सर के टिकट दे दो। अरे तनी जल्दी करो ना तो बस चल जाई। अरे ओकर औकात नहीं है कि वो यहाँ से चल जाए जब तक हमारा ऑर्डर ना मिले। और हाँ टिकट एगो ना तीन गो बने। मंगनिया भैया प्रणाम जीजा। का जीजा जी घोड़ा नियर अकेले सरसराल भागा चल जाता हुआ आ? अरे कम से कम देखे के चाहिए ना के बचल के छुटल। खैर छोड़ा हम दीदिया के साथ लाल बने। ए मंगनिया दीदिया को उतार। अरे उतार मुँह का देखा था संभाल के दीदी संभाल के। काहे टेंशन लत हुआ तू सब अच्छा हो जाए। चला आगे बढ़ा लेके आ रे। चिंता मत करा हम बानी ना तू जा बैठा जा। अरे जा बैठा ना हम बानी जा भाई। अरे जा भाई। हाँ हाँ दीदी हाँ सुन कोनो टेंशन मत लिए फोन उन बराबर कर दिए। हाँ अरे मंगनिया सुतो था जा देख ख्याल कर। हाँ सुते मत। हाँ चल आगे जो। हाँ गाड़ी एक बढ़ाओ। हाँ चल हाँ हाँ ठीक चल।
का हो? तू 100 रुपए में बनवा दे ना, इला 500 रुपया और जो बंधवा ना ओके खोल ना, तो ओकरा में तोरो के बांध के मुआ दे। बाकी हम बुझली ना, ये दोनों पैसेंजर के बक्सर से घुमा के वापस कोइलवर ले ले जाइए, का बुझल? ठीक बा, बाकी नौकी मेरा रू के तनिका समय तो देवे के चाहिए। एगो बात बतावा, तार बियाह हो गेल बा? बियाह तो ना भइल बा भैया। तो फिर जोन रास्ता के जानकारी नहीं खे ओकरा में दूसरा के गाड़ी के पास ना देवे के चाहिए, के जानला के आगे खाई मिली की दलदल? हां जा। ठीक बा, अब जे कहनी ओकर चला भैया, चला लेट होता मरते, चला बस में चला। अरे अरे तनी बसवा रोका हो, अरे बसवा रोका काबिल भैया कहाँ छूट गए ना? प्लान चेंज हो गया। अरे सब ठीक बा ना भैया? रखा तू 500 रुपए, हम चला थे बैठे। अरे आवा, चला बैठा बैठा। इसे भोखला के बाद हमके वही जगह पर वापस आवे के पड़ल जहाँ वहाँ का वो टेक ना धरे के हम किरिया खेले रहे मुंबई, कह के दोस्ती पे लागल दाग के धोए खातिर हमके आवा ही के रहे। लो भाई पहुंच गए। अच्छा भाई मैं निकलता हूँ, 5 मिनट रुक। अरे काम जरूर रुक। उतरा उतरा सुहागिन हमारे अंगना, उतरा उतरा सुहागिन। अरे काकी सब रसम गांव में हो गई बा, अब रहे दे। रे करम जरुआ, ये सब सगुन होला नू रे, ज्यादा टोका टोकी कैले ना त तोर नौकी मेहरारू के सामने तोर बुखार उतारे लगब। सास ससुर के दुलारी बनी जईहा, रखिया तू लज्जा निमने बिया। ढेर आसान हो गई तार, खास कर देलू। अभी बतावा घरवा में घुसे देबू की ना? अरे 2 मिनट रुक, पहले दुल्हन जईहन आगे आ पीछे पीछे तू जईबे। चलो हो दुल्हन गोड़ो आगे कर, चलो हो दुल्हन संभाल के डेग रखी हो अपना ही हवा महल में आव। हाय कलशिया के ढके लो, पैरवा से ढकेला हो ए दुल्हन, हाय कलशिया के पैरवा से ढकेला। सतुआ के कोठरी समझा कि मुर्गी के दरबा, एकरा के चिड़ी चिड़िया के घोसला तोहरे बनावे के पड़ी। किनारे लो ये कहा चल गई? ओह अरे एकर तो पुरान लक्षण है, जब देखा तब बाहरे भागत रहेला। ये है हवा महल ले देके। कहा है कि ससुरा जीत हमेशा आप ही के पाले में जाती है, ये चक्कर हमको समझ में नहीं आता है। बड़ा खेल होता है निशाने को साधना, जीत तो पक्का समझो, जब एक बार वार करो तो सब साला बिलबिलाए, चाहे वो तुम्हारा भाई हो, सगा संबंधी या साला दोस्त। हम तो खाली ई गेम के बारे में बात कर रहे थे। हम सब गेम का बात कर रहे हैं। सत्येंद्र आई ना, हम जानत रहने की तो कुछ ना जाने लो। ये बतावा तहारी नमुनवा बाहर का सुतल बा? एगो तो कोठरी बा उहो बक्सा जैसन, ओकरा में कैसे? ए मैडम ये मुंबई है, यहाँ रहे खातिर को कोठरी मिल गई नु तो बुझा रानी हो गई।
और अगर एहो में कष्ट बा तो भोर वाला गाड़ी में बैठा देम, जाके गांव में बाप के हवेली अगुरत रहिया। कष्ट होगी तो हम जरूर कहें, बाकी तई कोठरी बटले बा। रानी के सुख तो हम अपन घर में उठा ले ले बानी, अब रउआ बीबी के सुख उठा ली। आई खाना खा ली, बाहर के ना हा, अपना हाथे बने ली हा। रहे दा, ये सुख हमारा से ना बचे। पहला बेर आपन गृहस्थी में हम खाना बनेनी है, दोनों गोटा में से केहू खाना ना खाई तो अन्न के अनादर हुई ना। देखो ये सब सिनेमा वाला नाटक हमरा लगे ना चली, बुझलू? और हाँ, आगे से हमरा लेल जगला के भी जरूरी नहीं है। अब जा, जाके सुत रह। ये नाटक तो हम बर्दाश्त करता नहीं, बाकी रो रंग ढंग एक दो दिन हम देख लेम, ओकरा बाद के वाड़ी खोले वाला बा। रो सोतम मंगनिया जोड़े बा, यह उम्मीद रहता है रासे। आखिर गजराज सिंह के बहन जब हेलू ना, अब हम बहन नहीं थी, ब्याहता हो गई नहीं के हुके। अब ब्याहता हो ऐसन बहादुर मर्द के जे अपन बीबी के बीच रास्ता में छोड़ के भागत रहे, ओकरा मर्दानगी पड़ता है। तारा घरे तक जाए वाला कोनो रास्ता से कभी ना गुजरनी, तू ही आल बड़ू हमरा रास्ता में, उहो जबरदस्ती, अरे कॉम्प्रोमाइज कैले बानी, बुझलू? मजबूरी रहे हमार। और ऐसा रिश्ता इंसान से तो छोड़ा, देवता से बिना ने भी, फिर तार ताना कोना बातला सही। बाकी इस जोर जबरदस्ती के रिश्ता निभावे की ताकत देवता में ना इंसान में होला, चाहे तो आजमा के देखी, इताना भी सहलेम और तमाचा भी। आज का दिन हम डायरी में लिखवाएंगे भाई जी। अभी तक तो हम खाली जानवरें हाके हैं, अब तो आदमी हाकना शुरू किए हैं। आपको तो पता है ना कि हमरा खा ड्रीम है, बस 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 बस। अरे दो जोड़ी सफेद कुर्ता, हम तैयार बैठे हैं दर्जी के साथ। भाई जी सत्य आ चुका है और उसको मेरे ऊपर शक है, तो भाई जी कुछ तो करना होगा। अरे लानत है, तुम लोग जो चीटी कब जानी होता है। भैया आप अपना ये चुनाव संभालिए और हम संभालते हैं इस सत्य को। प्रणाम। चलो चल। राते खाना क्या ना खाए लू? रोट चाटा में बहुत स्वाद रहे, वही से पेट भर गई। वो तो रात के बात रहे, अबले हजम हो गई लोई। चल ये खाना खा ला, एकदम गर्मा के लिए आयल बनी। ठीक बा, मत खा, रह भूखे। बाकी हमके तो बड़ा जोर से भूख लागल बा, हम तो खाई। अब केहू घूर के देखत रहे और हम खात रहे, ई हमसे ना हो। सच बोली, हम रहुआ के घूर के देखता नहीं। अब घूर के ना माने 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 का माने वो है जैसे जैसे का। अच्छा रहे दाऊ सब, एक वो काम कर, मुंहवा उन्हें घुमा ला, तम खान मखा नहीं आराम से। रहुआ एक वो काम कर, रहुए पेट घुमा के खा ली। हाँ हाँ यो ठीक बा, हम ही पेट घुमा के खा लेता नहीं। कैसे खाली? रात भर के भुखले जागल बाड़ू, हम देखत रहनी। असल में काले को बने वाला काम बिगड़ गल रही है, इसे मिजाज एकदम। वो सब भूल जाए, खाना खाली। ओ बुझ गई नी, अब तू ये कबू ना कि तू हमार पत्नी बाड़ू, यही से हमार सब चिंता परेशानी, अब से तार चिंता परेशानी हो गई। ना 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 ना, हम तो रोसे खाली यह कहल चाहता नहीं कि रउवा अपन सब चिंता परेशानी बहरे बिक्याल करें।
हमरा उसे का मतलब बा? अच्छा तई बात हा? दुल्हीन, अच्छा तई सुगा महीना मजे से बैठ के दाना चुग रहल बा। का हो दुल्हीन, पूजा पाठ भइल की ना? अरे तई में ले जइला के कौन बात बा? का रे मेहरारू खातिर लुगा धोती के कीनी रे? बाकी काकी अभी ये तो भोर भइल, बाजार खोले तो दे, कुल कपड़ा आजे किना जाई। आयो सत्या, कितना पैसा हुआ? चल देखते। ठीक है भाई, चलो। दो ग्लास जूस देना। क्या भाई सत्या, क्या यार, न तेरे आने का पता न तेरे जाने का पता है। गुड आफ्टरनून भाभी। अभी है का? करेक्ट करेक्ट। अब हमार जरूर तहरा के लिए तो हो जाइए ना भाई। बाकी अब था ना चलल, तू क्या हुआ? चलो एक फाइनल गेस करते हैं। फाइनल गेस? हाँ। उसके बाद तुमको पता चल जाएगा कि हम कौन है। पांच मिनट ला मुंह उन्हें घुमा तोरा से देख ला जाए। घुमा लो घुमा लो मुंह घुमा। क्या जी याद आया है? बस चले तो का फोन आया था सत्या के बारे में। क्या बोला? वो वापस आके उधर ही रहता है सालवे चाल में, आप गए तो मैं लेकर आऊं। ना ना, मुझसे ज्यादा उसे तू जानता नहीं है, मैं देखता है। हम तो नैहर के बानी रसीली रे लोगवा पागल कहेला ना। ई देखा एगो और नमूना, यहाँ लोग के बेफालतू के खीस दिखावे से फुर्सते नहीं। और यह भागा अलाय बलाय पका के सोचे मुआई के तैयारी में लगल बा, बुझाते नहीं कि रोटी खाता नहीं कि कोयला। एहो जीजा, हम तो कहता नहीं कि ऑटवे खराब बा, ना तो हमार बनावल रोटी तो लोग छूछे खा जाला ले देके। बा जाई नहीं सीना जोरी से, केहू माने वाला नहीं खे। ये से निमन बा भरवा होटल में जाके हाय धारा आ ना बनी हमरा से रोटी, हम जा तनी सूते, हम कोनो ऐसन मर्दाना है जन दिन भर सरसों मरचा में लागा रही। होटल में जे खाई ओकरा लेल ई घर में आज के बाद खाना बंद हो जाए। ठीक बा, ना जाएम ना खाएम, पेटवा में गमछा बांध के रहेम। अब खुश? खुश करे वाला काम ना कहीं नहीं रहुआ। पहले हमरा ई बताई ई सत्या भाई के चक्कर कहा? देखो एगो नाम बा हमार सतेंद्र, और एगो बीवी बाड़ी हमार उमा, और एगो चीजो बा हमरा लगे। बदरिया से झाके चंदा सजनी भुलका बात बा, बदरिया से झाके चंदा
सजन बोला का बात बा, तू तो बाड़ू इतना गोर मनवा भइल ओकर चोर, तू तो बाड़ू इतना गोर मनवा भइल ओकर चोर, केकरा से अजोरिया के रातवा का जानी का सोचेला चंदा बनावल तोहरे बात बा, का जानी का सोचेला से झाके चंदा सजनी बोलका बात बा। सुरतिया के मन अजुराय कोयली जैसन बोली कुह कौलस जिया, तोहरे भरोसे जग छोड़ के आईनी रखी हाँ लगा के तू कर जैसे पिया, तोहर नैखे कौनो जोर बसल बाड़ू पोरे पोर, तोहर नैखे कौनो जोर बसल बाड़ू पोरे पोर, हमरा मिलल ई है सौगात बा, बदरिया से झाके चंदा सजनी बोलका बात बा, जानी का सोचिला चंदा बनावल तोहरे बात बा। गैलू तो मिलल सारी दुनिया, टूटे न दे हब कौनो सपना तोहार, बदरिया से झांगे चंदा सजनी बोलका बात बा, जानी का सोचिला चंदा तोहरे बात मैं खूनियों को इंतजार नहीं करता, उसका सीधा इनकाउंटर करता हूँ। खूनी?
कौन है खूनी? ये इंसान खूनी है, सत्येंद्र उर्फ सत्या। नहीं, हम नहीं मानते। तेरे मानने न मानने से न इसकी पहचान बदलने वाली है न इसकी नियत। ये आए तो इसको बोलो केवल 10 दिन है इसके हाथ में, क्योंकि 11वें दिन जाते जाते मैं तुझे एक सलाह दूंगा। इसके साथ तेरा जो भी रिश्ता है आज से अपने सारे रिश्ते भुलाना शुरू कर दे। दर्द होगा, अपनी आंखों के सामने रिश्तों को खत्म होते मैंने देखा है, वो दर्द मैंने महसूस किया है। तूने मुझसे मेरा परिचय मांगा था ना, मेरा नाम है इंस्पेक्टर यमन तावड़े, मगर सतेंद्र के लिए मैं उसकी मौत हूं। इंस्पेक्टर साहब, हम लोग गांव के सीधे साधे लोग हैं, दिन के हिसाब से रिश्ता नहीं जोड़ते। आपका 3 बरस का रिश्ता है और हमारा सिर्फ 3 दिन का, लेकिन फिर भी हम ये रिश्ता को नहीं टूटने देंगे। ये हमारा विश्वास है। अच्छा, ये तुम्हारा ही मंगलसूत्र है ना? जी हाँ। रख लो, 10 दिन के बाद ले जाऊंगा इसे। 10 दिन तो कम, हमारे जीते जी हम ही मंगलसूत्र आपको कभी नहीं ले जाने देंगे। और आप हमसे हमारा परिचय मांगे थे ना, तो इनके लिए हम इनकी जिंदगी हैं। मुंह में क्या डाला है? तुम्हारे लिए नई आदत डाल ली है हमने। क्यों? पान वाला मेरा साला लगता है। अरे तू नहीं समझेगा रे, इंफॉर्मेशन निकालने के लिए ये सब करना पड़ता है। सत्तार कब आता है कब जाता है, उसके साथ कितने लोग होते हैं। बहुत उस्ताद हो गया तू, चल निकलते हैं। देख बालू, अगर आज सत्तार हाथ से निकल गया ना तो हम कभी अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाएंगे। अरे नहीं नहीं, मैंने पूरा पता किया है, वो आज इधर ही मिलेगा 7 नंबर गोली में। सत्तार रुक! चर्चा 18 के भैली तो बट
घुमार ही में बाबू साहेब लगवले करज बेठापा घुमार ही में बाबू साहेब लगवले करज बेठापा रहे सौंसे इलाका अपने ही घर में उडाल दिहल डाका मिसिर जी के रहे सौंसे इलाका अपने ही घर में उडाल दिहल डाका झुमका लुटाइल पायलिया है रोइल जुल्मी बेदर्दी से देहिया पिसाइल चढ़ल खुमारी में बाबू साहेब लगवले करज बेठापा चढ़ल खुमारी में बाबू साहेब लगवले करज बेठापा पहले घोटाला पहले बदनाम दर्द सहलो न जाला जादू जी देखे झांसा पहले घोटाला पहले बदनाम दर्द सहलो न जाला भाप के मुँह सब देखले न जारा बाकी कुमार बाबू देहले सहारा समझ के लगई है अब ता बाबू साहेब बुझला सोच समझ के लगई है बाबू साहेब कौनो करज बेठापा सोच समझ के लगई है बाबू साहेब कौनो करज बेठापा सोच समझ के लगई है बाबू साहेब कौनो करज बेठापा सोच समझ के लगई है बाबू साहेब कहवा रहनी है कब्बे से जोहत रहनी खाना लगा दी ना तू सुत जा हमरा भूख नहीं के ई दाग कैसन है कैसन दाग ई खून के दाग है ना हाँ ई खूने के दाग है का कहत बाड़ू अब हमके पक्का यकीन हो गई अरे का यकीन हो गई वो इंस्पेक्टर के लगावल सब इल्जाम रउआ रउआ ऊपर सही रहे रउआ खूनी बानी रउआ ऐसन मुंह घुमाले से सच ना छुपी बीवी बानी इतना हक तो बनेला दूसरा के मुंह से बात सुनी से पहले रउआ मुझसे बीर गाथा सुनल चाहता नहीं हम अब जानना चाहता हूँ तो सुना कैसे कि आधा सच झूठों से ढेर खतरनाक होला तुम लोग पत्थर क्यों मार रहा उधर उसने हमारा घर तोड़ दिया था इसलिए हम भी उसका घर तोड़ देंगे किसने तुम्हारा घर तोड़ दिया वो दाढ़ी वाला था उसने बोल दिया 30,000 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं तो नहीं चल निकल यहाँ से मारना है मार लो जो करना है करो 30,000 जिंदगी में नहीं लूंगा मैं साले कुछ लेने लायक रहेगा नहीं तू समझ में आ रहा है मामला क्या ललन अरे तुमसे मतलब बेटा देखिए ना मरने की धमकी दे रहे हैं घर में छोटे छोटे बच्चे हैं क्या करूं मैं बच्चों का हम ठेका लिए हैं है? अरे तेरे दिमाग मत खराब कर तू हमारा अरे ललन मगर बात तो 2 लाख में हुआ था रजिस्टर पर दर्ज भी है तुम्हारे रजिस्टर की ऐसी की तैसी तुम ठीक नहीं कर रहा ललन का तुम ललन राय को धमकी दे रहे हो है? गांव का माटी का जोर इसमें ललन बाबू इतना आसानी से नहीं छूटेगा भाई जी का इज्जत करते हैं इसीलिए चुप है
अगर दोबारा कालर पकड़ने का कोशिश किया ना तो भी भूल जाएंगे। हम अभी भाई जी को जाकर सब कुछ सच सच बताते हैं। भाई जी वो ललन का हुआ? ललन को हुआ कुछ नहीं, बैठो ना। ललन अभी अभी एक बूढ़ा चाचा को धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया और 2 लाख के बदला मैं सिर्फ 30,000 रुपए दे रहा हूँ। अरे तुम बताया पहले नहीं कि तुम्हारा कोई चाचा भी है? ऐसे ही भाई जी, बस्ती में साथ रहते रहते रिश्ता बन गया था। और फिर गलत तो गलत ही होता ना भाई जी। हाँ हमारे लिए तो तुम और लल्ला साहब बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, जाओ। सुनो, राय के न्याय पे भरोसा रखना। जी भाई जी, जाओ। भैया भागा पीछे। क्या भैया जी, दिन भर बैठ के यहाँ बच्चों की तरह कार्टून देखते रहते हैं। उस साला हरामी आज हमारा हाथ पकड़ रहा था भैया। इस सत्या साले का जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। तो करना क्या है? उसके हाथ से कलम निकलवा जावा एक और हम ऐसा कुल कमीनन खातिर काम करत रहा। साला वही पूरे शहर में आग लगाएगा। तब दूसरी ओर अनजान फकीर भाई मतीन दोस्त विष्णु। क्या बात है? और पिता समान होकर पड़ भाई रहा यमन तावड़े। अच्छा मजाक नहीं, मैंने सीरियसली बोल दिया। ऐसा आदमी कभी होता ही नहीं यार, ऐसा इंसान मैं पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा मुझे इमरजेंसी के लिए पहुँचना है, बस मैं निकल रहा हूँ। भाई भैया। और हम बोले विष्णु, अपना जिंदगी में तो हम दादा का जैसा अच्छा इंसान ही नहीं देखे। वो दिन विष्णु हमके ललन के बारे में कुछ ऐसा बतैलस जेकर पता लगावे खातिर सीधे हम ओकरी घरे पहुंच गए। कौन है ये? मैं नहीं पहचानता। हराम सादे, इतना जल्दी भूल गया तो उसका चेहरा को? अरे याद कर, ये वही बच्ची है जिसके बूढ़े चाचा को तूने इसी जगह पर सीढ़ी से धक्का मार कर नीचे गिराया था। कौन ही आज इसके पास? साला ललन राय पे हाथ उठाया। अरे भाण में गया ललन, भाण में गया तेरे का काम। साला मिट्टी का शेर, सब सब जोर अजमाइश यही करेगा। चलो याद रखेंगे। जब सामने हम नागेंद्र के रंग बदला तो देखने वही टाइम हम सोच लेने की अब हमके का करने की बात। समझ गया भाई जी, और अब हम ये भी समझ गए कि हमको आगे क्या करना है। ओम गणेश अगले ही देते हैं। ओम गणेश, ये को अनजान फोन आई। ओम गणेश सूर्य देते हैं। ओम गणेश सूर्य। हेलो, पूजा हो गई तेरी? कौन? बिल्कुल लंबी उम्र की अर्जी लगा रहा है ऊपर वाले के पास, अपनी या किसी अपने की? देखिए भाई साहब, लगता है आपने किसी गलत नंबर पे डायल कर दिया है। सत्या भाई, तेरी अर्जी रद्द। और सुन, तू अपने दोस्त को बचा तो नहीं पाएगा, पर हां उसके लाश को तेरे कंधे की जरूरत पड़ेगी। ए सुन, तू जो कोई भी है ना, खैर मना की फोन पर है, सामने उतरा तो अभी। आधा घंटा। ए फोन रख। विष्णु, विष्णु, विष्णु रुक। यह कहानी है मुंबई शहर की, जहां रोज 200 लोगों के हाथों मरे वाला 500 आदमी होला। विष्णु भी वही में से एक रहे, बाकी सत्येंद्र अपना लोग के हाथों रोज रोज मरे वाला सत्येंद्र केहू ना हो खेला।
कितना अपमान, घाव दर्द, कलेजा तो बुझा पिस के प्याला हो गई। अम्मा बाबूजी के नाम रखल रहे उमा। आज सार्थक हो गई, रहुआ सार्थक कर देनी। आज तो हम हो गई नी ना आपन भोलेनाथ के उमा। अब हमरा चेहर पी के ताकत नहीं की उमा, नहीं की। हम देवता नहीं की उमा, इंसान बनी। अब तो हमरा मुक्ति चाहिए। बोलो तू दे सकेलू हमरा के मुक्ति? ना ना ना, ऐसे मत बोली। देखी जे भा गई से भा गई, अब रहुआ अपने आप के अकेला मत समझी। आज से हम रहुआ के हर डेग पर रहुर साथे रहे, रहुर परछाई बन के। दुल्हीन, ए दुल्हीन, अरे चौका बर्तन हो गई का हो? ओ हम उहे करता नी। लो खटिया पर बैठ के लागत है कि सफाई करत रहलू हो। ना ओ मन ठीक नहीं खे, ऐसे बैठल रहनी हो। तो झाड़ू लेके। दुल्हीन तोहर मन ठीक नहीं खे, तू थोड़ी देर सूत रहा आ, कुंडी अंदर से बंद कर दो, हम फिर आ जाए। नाना काकी रुकी ना, सब ठीक बन हो दुल्हीन? आई का बात हो काकी? हमरा के बहुत डर लगा था। रहुर बेटा एगो बहुत बड़का झमेला में फंस गइल बा। कैसन झमेला? ओ राते एगो इंस्पेक्टर साहब आइल रहलन इनकरा के खोजे खातिर। अच्छा? बोलत रहलन कि इनकरा हाथ से केहू के खून हो गइल बा। खून? सतुआ के हाथ से? हम ना मान सके नी। ये तो हमू कहता नी, बाकी दूसरे लोग का सोचता का चाहता, ये सोच के तो डर हो जाला ना। कैसे था चली? अरे जे एगो चीटी ना मार सकेला, वो एगो आदमी के खून कैसे कर सकेला? अलबत्त बात करो तरो दुल्हन, आ हमार सतुआ कोनो माटी के लोदा हो कि जे चाहे रौंद दी? अरे वो तब बज्जर जवान दुल्हा बा तोहार, आ बाकी तू ओकर मेहरारू हो, ओकर ताकत तू ही नौके संभारबो। अरे दुल्हन तू एंगन हिम्मत हरबो तो कैसे चली? हाँ सुना, अगला मंगलवार के तीज बा सुहागिन औरतन के सबसे बड़ा त्योहार है, आ तोहार तई पहला तीज है। खूब श्रद्धा और भक्ति के साथ ई व्रत करी हो, आ समझ ली हो कि तोहर सत्य के प्रताप से अचल रही तोहार सुहाग। हेलो। हाँ भाभी, हम गुंजा, कैसन बाड़ू? हम ठीक बानी, बाकी इतना रात के? बस तोहार और भैया के बहुत याद आवत रहे, तो हम सोचनी के तोहरा से बात कर लिया जाए। ई बतावा कब आईबू यहाँ? अभी तो हमरा के यहाँ आईले चारे दिन भइल। तो का गांव भुला गईलू, आवे के मन नहीं खे का? हमार बस चली ना, तो हम तोहरी भैया के लेके आजे गांव आ जाए, और फिर कबो वापस ना जाए। का भइल भौजी? भैया के कोनो मतलब? ना हम उनका के कुछ ना होके दे। बिहा के बाद सुहागन के भाग से सुहाग के रूठल भाग जाग जाला। हमरा के अम्मा के बात पे भरोसा बा, तू हमरा पे भरोसा रखा, सब ठीक हो जाए। अरे कहनी ना हो पाई, अरे लेबर को साटे जा भाई। गजराज रखा यार।
गजराज गाड़ी बड़ा इतना तेज। अरे का भाई, जब से भौजी से बात भइल बा हमार मन बहुत घबरात बा। ऊ हमरा के लागत बा कि वहां जरूर कुछ गड़बड़ बा। चार दिन भयल है बिया है के, धीरे धीरे कुल सही हो जाए। चार दिन में घर समेटे की बात समझ में आवेला गजराज। भौजी मुंबई छोड़ के यहाँ आवे की बात करत रहली। अरे ये तो बहुत बढ़िया प्लानिंग है दीदिया का। तो अब तू कहाँ जाऊँ? कहाँ? मुंबई। कहे के हमार भैया और भौजी मुसीबत में बा लोग। अच्छा तो तू झांसी का रानी हो? ना झांसी की रानी नहीं थी, लेकिन हम कायर भी नहीं थी। है गुंजा, बहिन ब्याह के ता ऐसे हाथ झाड़ लेला जैसे गंगा हाथ धो लेला। गजराज तोरे शुरू कई खेला हा। आज बिगड़ गई बा, आज संभारे के भी तोहरे के ही पड़ी। ठीक बा, तू घर जा, आ जाए हम मुंबई जा। आपन बहिन के बिगड़ल संभार के चलैया, आपन गुंजा के मांग सवारे खातिर
जवान बारू तू जान कैसे समझाए, जान ल तू जान तो हो पे लुटाए। अरे चाचा, ये जरा पता बताइएगा, सतेंद्र सिंह गावड़े चाल। माहिती नहीं, माहिती नहीं। आ? पुड़े जा, पुड़े जा। कमाल है, पूछे थे मुंबई का पता, अब बतावा था पुणे का पता। अरे जरा ये पता बताइएगा, सतेंद्र सिंह गावड़े चाल। नहीं पता। ना पता? ना। कमाल है, यहाँ एक पता 10 आदमी से पूछा तो ना पता, हमारे यहाँ 10 पता, 1 आदमी से पूछा तो सब पता। अरे बजरंगबली, तू यहाँ मुंबई में? अगर तू मिल गया लगा तो पता ही मिल जाए। हे बजरंगबली, कृपा करके पता लगा दा बस। हाँ, कौन चाहिए? सतेंद्र सिंह। सत्या ना? अरे सत्या ना, सतेंद्र। हाँ हाँ, पता है पता है। चलो मैं बताता हूँ। कमाल है, आ जाओ मेरे साथ। इस सब बजरंगबली की कृपा है। जब से आई बाड़े मुंह फुलल बात तोर। अरे ऐसे निमन के तो ना आए थे। काहे ना आई? तू हमार बहन बाड़ू ना, आई तो हर आज बार देख के कितना खुशी मिलत बा। अब तो से हम का बताई, और ऊपर से इतना बड़ा महल। हाँ से तो है, बाकी मुंबई जैसन शहर में केकरो कोठरी हो जाला ना तो समझे कि वो रानी हो गई। रानी? हाँ, झाड़ू फटका मारो रानी हो, लाज नहीं खियावत। लाज कैसन? अरे हम जैसन बानी अपना घर में बानी। ये घर है ना, खड़ा होने के जगह, ना बैठने के जगह, ना चलने के जगह। देख गजवा, तोरा अगर सूते के दिक्कत बा ना तो आजे रात के गाड़ी पकड़ के अपन हवेली में चल जो। बाकी घर में आई घर में रहे वाला कोनो आदमी के बारे में तोहार मुँह से हम एक को बात न सुने। अब बाकी ये सब जो लीला है ना तोरे रा चल हा। हम तो हार एहसान भूल जाएं, ऐसन मौका मत दे हमके। देख गजवा, हम तोरा आगे हाथ जोड़ता नहीं, तोहार दीदिया जैसन बिया जहां बिया खुश बिया, हमके ऐसे ही रहे दे। चल साला, ते यहां कुछ नहीं देख ले। अब हम का कह देनी भैया, हमारा पर काहे खिसियाल बानी? अब हमें बताई करे साला, हमार भाई ने हम मुर्गी खाना में है, तो कहे को फोन ना करे के चाहिए। हाँ बता देती रहुआ के, आज दीदिया से बुखार झड़ा लगे तो ऐती रहुआ बचावे। कल देखनी ना कैसे खिसे आ गई रहली, हम तो इस शहर यहाँ के खेला और झमेला देख के उगता गई बानी भैया। उना जाए ओकर स्वभाव हमके पता बा। तू एक काम कर, तू अपन सामान पैक कर और आज रात के गाड़ी से निकल जाओ। कहे से हम घरे बता के नाल बानी, बाकी जिजवा वाला मैटर हम सल्टा ही के आई। तू निकल। ए जमुना बाबू उठी। अरे उठी बरदे। ए जमुना बाबू। अरे सरपंच जी, इतना रात के का बात बा? अरे देखी ना, ई मंगनिया शहर से बड़ा शुभ समाचार लेके आयल बा। बैठी 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 सुनाई का बोल रे? अरे साला बोल रे। एगो पुलिस वाला आई रहे,
आ कहत रहे कि 10 दिन के बाद मेहमान जी के गोली मार दी ले दे के। हाँ हाँ, बाप के माल गोली मार दी। वो भी कौन समाचार आयल बा का? ना सरपंच, देखा हम आजो निशा में बानी, लेकिन आज माथा नहीं खे, करेजा हिलल बा। पैसा, जमीन, गांव के नेता, ये सब रेस लगौनी न तोरा से हो, हमेशा रेस हारत गईनी। तोरा लेल हमार बेटा दमाद हो गई, हम तो अपन बेटा भी हार गईनी सरपंच। ना ना समझी जी, अपने के बहुत रंग देख लिया, सब खाटी बा। रुआ चिंता न करी, कहीं तो हम गाड़ी निकालता नहीं, चली बम्बे, अपन बच्चा सब के लिया बता नहीं। ना ना, गाड़ी निकाले के कौनो जरूरत नहीं की, सब के वो अपन लड़ाई लड़ेला अजीतेला, और सब भी अपन लड़ाई खुद लड़ ली ही। बाकी अकरा लागी हमने दोनों जना के अपना लड़ाई खत्म करे के पड़ी आजे। अरे वाह वाह, देखो मंगलवार के हमरा लगे चैता बा। अच्छा अच्छा, आई बा? हाँ, अरे जरूर आई, जरूर आई। देखो हम दोनों जना मिल जाए ना, तो उस सब दुनिया के बड़का से बड़का लड़ाई जीत ली। वाह 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 वाह। सही के बरतिया तो झूमी गाएगी।
सत्या, क्या बात है, कोई खास खबर है? इतना सुबह सुबह यार क्यों बुलाया? अरे तो और कहाँ बुलाता, मुंबई में हर जगह तावड़े तुम्हें पागल हाथी की तरह ढूंढ रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि दादा से कब तक भागते रहेंगे। इससे पहले कि दादा हमको ढूंढ ले, हमको अपना हिस्सा का सच ढूंढना ही होगा बालू। अरे हाँ सुन, कल मैंने लल्लन के आदमी को सत्तार के घर के पास देखा था। क्या बात कर रहा है? सच कह रहा हूं मैं। तब तो जल्दी को रास्ता निकालना पड़ेगा, बस एक बार कोई ऐसा सबूत हाथ लग जाना। घाय घाय में गड़बड़ हो सकती है, और वैसे भी तू पहले से ही मुसीबत में फंसा हुआ यार। अरे तो और क्या करें यार, इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा ना। कैसे हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे? अब चल निकलते हैं अब यहां से, चल। क्यों भाई सत्या, सुराग ढूंढने आए थे? चलो एक काम करते हैं, तुम्हारे अंदर ही हम सुराग कर देते हैं। है? हम जानते थे ये सब तुम्हारा ही रचावा खेल था। अरे दादा, मैंने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा, आप यहां पर हैं। अरे तो बोलियो ना महाराज, मुंह में जा भी लगा का? अरे हम भी तो भोरे से चीजों को खोज रहे हैं। सुनो तो, अब पता नहीं कहां गायब हो गया। सत्या को धोखे से उठा के लेके गए। रुक रुक रुक, ये बात कहीं दीदिया को तो नहीं बताना रे? हाँ सारा चल। सब के नशा में गोताइल हो रामा जग बहु सतेंद्र की पत्नी। तुम यहाँ क्यों आई हो? काहे कि हमारे पति का जान आपकी वजह से खतरा में पड़ा है। हम यहाँ भोलेनाथ से आशीष लेने आए हैं कि वो हमारे सुहाग की रक्षा करें। शिव तो सहारक है, जीवन देने का काम उनका नहीं। देवता जीवन नहीं लेते हैं, बल्कि जीव के अंदर के पाप का अंत करते हैं। क्या है मनुष्य के जीवन का सत्य? यही है असलियत। फिर काहे का मोह, कैसा मोह? ये भोलेनाथ का आशीर्वाद है, इसको अपनाया जाता है, ऐसे फेंका नहीं जाता है। मूर्ख औरत, हम शिव के उपासक, अंत के उपासक, और अभी भी हम किसी के अंत का आह्वान कर रहे हैं।
नागेंद्र राय, रावण भी तो शिव का उपासक था ना। लेकिन हमारा विश्वास कहता है कि रावण का अंत नहीं हुआ था, बल्कि उसके पाप का अंत हुआ था। तुम अपने सच के साथ रहो और हम अपने विश्वास के साथ। देखते हैं भोलेनाथ किसका साथ देते हैं। हम बचपन में एक कहावत सुने थे कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। वो साला गीदड़ तुम हो और शहर की ओर आए हो। ये पता विष्णु को कौन मारा था? अब यार हम किसका किसका नाम लें? क्या है कि ये टीम वर्क था और टीम वर्क में किसी का दिमाग चलता है, किसी का आर्डर, किसी का हाथ पैर भी चलता है। बहुत जबरदस्त टीम वर्क और प्लानिंग था तुम लोग का। खून क्या तुम लोग और खूनी बनकर हम। हो सकता था कि उस दिन खून तुम्हारा हो जाता, पर तुम्हारी टाइमिंग सही थी, तुम बच गए। उसकी गड़बड़ वो गया। तुमको ये लग रहा होगा कि धमनिया बिल्डिंग में उस दिन सबसे पहले तुम गए ना, तुमसे पहले भी कुछ लोग थे वहां पे। बेटा मीटिंग खल्लास, उसको बोल कि अगर अपने भाई को बचा सकता है तो बचा ले, सिर्फ आधा घंटा है उसके पास। हाँ विष्णु ध्यान से सुन, कुछ बारूद के गरम मसाले हैं मेरे पास, कुछ तेरे पास होंगे। तू एक काम कर, आजा मिलके धमाका करते हैं। नागेंद्र राय की लंका के परखच्चे उड़ जाएंगे। और सुन सीधे ऊपर चले आना, अगर किसी को पता चला तो मेरा पता नहीं चलेगा तुझे। आ गया शिकार। अरे भाई सुनो, यहाँ पर तुमने देखा किसी को? ना, जब आसपास यहाँ कोई नहीं है तो जाहिर सी बात है फोन मैंने ही किया होगा, कॉमन सेंस है। अच्छा तो वो फोन तुमने ही किया था? तुम बोल रहे थे कि तुम्हारे पास भी कुछ सबूत है, तो दिखा मुझे। सबूत? हाँ। अरे तुम भी किसके चक्कर में फंस गए हो भाई? नागेंद्र राय बहुत बड़ा कमीना, बहुत बड़ा धूर्त। मेरी बात सुनो, लाओ ये बैग मुझे दो। अबे फाइल दे। अरे अच्छा देखो मरा कि नहीं। भैया जी अखबारी आदमी है, इस साले का कोनो भरोसा नहीं, मरा नहीं होगा। ऐसा करते हैं कि उसको उठा के फेंक देते हैं। कुछ नहीं, वो पीछे गोदाम पे साहब की खातिरदारी कर रहे थे। तुम्हारी वाली हम वहीं देंगे।
कौन है बे? अरे भैया हम हैं। अंदर से साला बचाओ बचाओ की आवाज आई तो अंदर आ गए। कौन चिल्लाया बे बचाओ बचाओ? अरे बाबू जब हम तुमको लतियाएंगे तो तुम ही ना चिल्लाओगे बचाओ बचाओ कि तुम्हारे बाप चिल्लाएंगे। हाँ बाप है ना, कैसे एंट्री मार दिए हो साले? नो एंट्री जोन में बेटा तुम आ गए हो, मारो साले को। ठीक है, उमा कैसी है? उमा के बारे में तो यार मुझे कुछ भी नहीं पता। चल सुनिए, मरने से हमको डर नहीं लगता, लेकिन किसी और का हिस्सा का मौत हमको मिलेगा, इस बात का दुख जरूर है। जो भी फैसला करना है सोच समझ के कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि जब सच आपके सामने आए तो बहुत देर हो जाए। दादा दादा नहीं, दादा दादा, तेरे जैसे मुजरिमों के साथ मैं रिश्ता नहीं बनाता, उसका सीधा इनकाउंटर करता हूं। इनकाउंटर करते हैं आप? काहे नहीं मार दिए, काहे ले आए आप यहाँ पर? वही गोली मार देते इनको। उस दिन तूने मुझे जब मैं तेरे घर आया था क्या बोला था? शरीफ इंसानों के घर की क्या वर्ड इस्तेमाल किया था? देवड़ी, बराबर ना? ये नागेंद्र राय जैसे शरीफ इंसान के देवड़ी का वफादार कुत्ता, उसके आगे पीछे दुम हिलाता घूमता रहता है। गलत रास्ता पर चलने वाला हर आदमी गलत नहीं होता है इंस्पेक्टर साहब। नागेंद्र राय का आप वही चेहरा देख पा रहे हैं जो वो आपको दिखाना चाह रहा है। छोड़, तो ठीक है, आप हमको एक वजह बताइए कि काहे एगो दोस्त अपना दोस्त का जान लेगा, बोलिए है कोई वजह आपके पास? आप नहीं बता सकते हैं, काहे कि आप जो है ना इंस्पेक्टर साहब, वो आधा झूठ के फेरा में है, उसके पीछे भाग रहे हैं आप। मतलब? बस दादा एक मौका दे दीजिए हमको, महालक्ष्मी मंदिर के पीछे वाला बंद फैक्ट्री में आपको चलना होगा। नागेंद्र राय अपना भाई ललन को फोन करके हमको भी साथ में लेकर वहीं बुलाया था, अपना आंख से चल कर देख लीजिए, सारा सच का खुलासा वहीं हो जाएगा। प्लीज मेरा बात मान लीजिए दादा, एक बार हम पर भरोसा कर लीजिए। सिर्फ एक मौका है हम तीनों के पास। बस दादा यही रोक दीजिए, यही वो जगह है जहां पर वो हमको बुलाया था। तेरे पे भरोसा कर रहा हूं इसलिए छोड़ रहा हूं, भागने की कोशिश मत करना। आइए दादा। Hey!
एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। आपने मेरे 5 बेकसूरों को मारा है, बहुत महंगा पड़ेगा। तावड़े की हर एक गोली का निशाना कोई क्रिमिनल ही होता है। सही कहा है, जब आदमी का अंत समय आता है ना तो उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। क्रिमिनल तो आपने पाल रखे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अरे उस आस्तीन के साहब ने आपके छोटे भाई जर्नलिस्ट की हत्या की है। और कितने कलेजे से साले ने फोन कर दिया, सीना ठोके साले ने आपको भी फोन किया, मुझे भी किया। मारने वाला कौन वो सत्या? ये फोन की बात तो सत्येंद्र और मेरे बीच में थी, तुझे कैसे पता चला? अच्छा चल छोड़, अगर मैं तुझे कहूं कि मुझे फोन नहीं आया था तो? कैसे नहीं आया था? या देवी शर्वतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, आओ देवी आओ, तुम भी आ जाओ। दादा यही है बड़ा गंदर है, इसी ने या तो खून किया है या तो किसी से करवाया है। बताता हूँ साले को, साला बोल साला। यहाँ नागेंद्र राय कौन है भैया? उनके नाम का पार्सल ढोते ढोते साला हमारा कंधा टूट गया। क्या हुआ लल्ला को? कुछ नहीं है तुमने लल्ला को, बस भांग खिला दिए थे और थोड़ा चकरा रहे हैं। बस वहीं रुक जाइए, नहीं तो घुसेड़ देंगे। एक काम करो, पहले हमारे जीजा और दीदी को छोड़ो और फिर अपने लल्ला को लेके जाओ, और खिलौना सब नीचे गिरा दो, नहीं तो बोले है ना आगे बढ़े तो घुसेड़ देंगे। पिछाट हम दिखाएंगे खेला। साला लल्ला को छोड़ो नहीं तो भेजा उड़ा देंगे हम। देखिए दादा, यही इस कमीने का असली चेहरा, भरोसा की जान पर फोन वाला सारा ड्रामा भी ना यही दोनों भाई का मिलकर खेला हुआ है। साला भाई का नाम लिया तो गोली मार देंगे। मेरा भाई लल्ला कहीं नहीं है, जो बोलना है आपको बोलो। यही है नवधमनिया बिल्डिंग, इसी बिल्डिंग के छत से मेरे भाई विष्णु को ऊपर से नीचे फेंक दिया था ना तूने? कौन सा धमनिया बिल्डिंग? उस दिन जिसने मुझे फोन किया था उसने इसी बिल्डिंग का नाम लिया था नागेंद्र। या तो फोन आया नहीं या तो तू झूठ बोलता है। फोन तो ललन के पास आया था, वो तो आपका नाम ले भी नहीं किया था। चुप, दोबारा ललन का नाम नहीं लेना। ललन का 4 जगह फोन आया था, गोरेगांव पुलिस स्टेशन, विष्णु, सत्येंद्र और वो अपना नाम लिया था, आपका तो नाम ही नहीं लिया है। गलत सुने होंगे, गोरेगांव पुलिस स्टेशन, सत्येंद्र, विष्णु और हम नागेंद्र राय। नहीं, मेरे पास उस दिन को फोन नहीं आया था। जब उस समय उस दिन तुम पूजा कर रहा था तो फोन नहीं आया था? वाह वाह वाह, अगर ये बैठ के घर में पूजा कर रहे थे और इनके पास फोन आया तो कौन फोन किया होगा इनको? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये फोन नहीं किए थे और जो फोन किया था वही खूनी है। वाह नागेंद्र राय, कमाल का खेला खेले हो, तो ये लो हम तुम्हारा भी हिसाब बराबर कर दिए। अब चिल्लाते रहो लल्ला लल्ला, तुम्हारे लल्ला अल्लाह को प्यारे हो गए। अरे क्या हो गया तावड़े साहब? गोली मत चला, ये राक्षस से गंदा खून से अपन हाथ मत रंगा। उमा रुक जा,
आप गोली मत चलाइए, क्योंकि ये मेरा टारगेट है। नौकिंदर सब चल। चल रे, चल चल। कुछ याद आया? अब ये बताओ कि मेरे भाई को तूने क्यों मारा था? अब बोलना गंदर राय, हम तुम्हारे साथ ऐसा कौन सा दगाबाजी किए थे जो तुम हमारा ही दोस्त विष्णु को मारकर हमको उसका खून का इल्जाम में फंसा दिया? बोलो क्या करते साले को, हाथी उतारते? साला मोर्चा खोल दिया था, रोज अखबार में छपवा रहे हैं। अरे सांस लेना मुश्किल कर दिया था। अब इस खेल का अंत तेरा मौत ही होगा। नागेंद्र जैसन सांप के अंत होखला के बाद यमन दादा तो बहुत रोके के कोशिश कहलन, बाकी हमार उमा के मन तो ये मुंबई शहर से भर गए रहे। फिर अगले ही दिन ट्रेन पकड़ के हमनी के सीधे गांव में पहुंच गए। नहीं जा गांव के कुल समाचार तो बढ़िया बा, बाबूजी के ताड़ी की आदत तो ना छूटल है, कबो कबो अब चोरी छिपे ही नहीं सो चलेला। उन्हें गजुआ के लब के बुखार तो अभी होना उतरल। हाँ, ठेकेदारी के धंधा छोड़ के जब से ट्रैक्टर के एजेंसी शुरू कैले बा, रंगे ढंग बदल गए बा। और हमार धर्म पत्नी जी के खबर यह बा कि वो आजकल इमली खूब खात बा। लागे ले भोजपुरिया हीरो, मारे ले स्टाइल, बाड़ा जान मारे इनकर नी मने स्माइल। लागे ले भोजपुरिया हीरो, मारे ले स्टाइल, बाड़ा जान मारे इनकर नी मने स्माइल। इनका के हम छोड़ के, इनका के हम छोड़ के, बन ठन के लागे साहिब ओई सुन पियवा गा पाई, बन ठन के लागे साहिब ओई सुन ओई सुन पियवा गा पाई, बन ठन के लागे।